हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इट थ्रू दियर डेफिनेशंस। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास डेंसिटी, प्रेशर, एनर्जी एक्सेट्रा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ना दिया गया हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। अ क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया गया हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेट्रा। सो लेट अस अंडरस्टैंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी थ्रू अ एग्जांपल। नाउ लेट अस सपोज यू आर एट योर होम। एंड आस्क्ड टू गो आउट एंड ब्रिंग फ्रूट्स। So now here the path you will follow, the path you will cover is only magnitude. You don't know where to go. You don't know where to go. Hence the quantity is scalar quantity. And if you are asked to go for a particular shop, you are asked to go for a particular shop, then you will follow the path with given direction, then you know the direction of the particular shop. Hence the quantity is vector quantity. अगर आपको direction दिया गया है path followed के साथ, यानी magnitude के साथ direction अगर दिया गया है कि किस direction में आपको जाना है और fruits लेके आने हैं, तो आपका वहाँ पर vector quantity होगा। और अगर direction नहीं दिया गया है तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। हमने पिछले पढ़ा ही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड में फिक्स नहीं होता हमें किस डायरेक्शन में जाना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में फिक्स होता है कि किस डिस्टेंस में जाना है, सॉरी किस डायरेक्शन में जाना है।